बिहार म्यूजियम के बाहर मेरा चालान काटा गया। मैं फैमिली के साथ कार में बैठा था और वहाँ पे नो पार्किंग का कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ था। वो आए, उनके सिपाही आए, उन्होंने बोला कि साहब गाड़ी में बुला रहे हैं। मैं उनको वहाँ पे गया उनसे मिलने, तो उन्होंने बोला कि आपने नो पार्किंग में लगाया हुआ है, चालान कटेगा। मैंने बोला सर नो पार्किंग का कोई भी बोर्ड नहीं है। इतना बोलते बोलते उन्होंने कहा कि आप बहस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आपको पार्किंग का भी लगेगा 500 और 2000 वो नॉन ओबीडियंस फ्लो में उन्होंने 2000 और 2500 का चालान काट दिया मेरा। प्लीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो है सुल्तान पैलेस और इसी पैलेस में परिवहन भवन है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो बोर्ड लगा है परिवहन विभाग का, इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है कि आप कुछ ऐसे गलती ना करें जिससे आपके जान को खतरा हो सकता है। इसी बीच परिवहन विभाग के मंत्री श्री संतोष कुमार निराला जी आए थे और उनसे हमने बात की। उसके बाद हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्टर से भी बात की, जिनका अगर वो गलती करते हैं कोई ड्राइवर और गाड़ी चला रहे हैं और वो गलती करते हैं तो उनको यहाँ पर 1.5 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि संतोष कुमार निराला ने क्या कहा, उसके बाद सुनते हैं कि आम लोग जो ट्रेनिंग लेने आए थे उन्होंने क्या कहा और इंस्ट्रक्टर ने क्या कहा कि कैसे क्या करना है। लाइट का जो है ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी पटना में जो नए मोटर एक्ट लागू हुए उसमें एक प्रावधान दिया है कि जो भी गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाने वक्त अगर ड्राइवर दोषी पाएगा, उनको गाड़ी लाइसेंस तो प्राप्त है लेकिन गाड़ी चलाने का तजुर्बा नहीं है, ऐसे लोग अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनका जो ड्राइवरी लाइसेंस जब्त कर और यहाँ पर जमा कर दिया जाएगा डीपीओ कार्यालय में और बहुत प्रेम पूर्वक उनको बुला के और 1.5 घंटा का ट्रेनिंग दिया जाएगा, बताया जाएगा और पुनः उसका ड्राइवरी लाइसेंस एक अच्छी पहल है। और आज के सड़क सुरक्षा और रोड सेफ्टी के मामले में हो सकता है कि जो पुराने लोग हैं, बहुत पुराने ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किए हैं, बहुत लोग ये अनुभव का चीज है, पहले चलाते होंगे, बीच में चलाते हैं, लेकिन कई बार प्राय देखने को मिलता है कि आदमी का अनुभव धीरे धीरे कम होता है, तो उसमें अगर वो दूसरी है तो हम लोग देंगे और उसके लिए ये शिविर खुला गया। जब भी हफ्ते में संडे छोड़कर जब भी 1.5 घंटा का मौका मिले वो आकर अपना वहाँ ट्रेनिंग विशेष ट्रेनिंग हो सकते हैं और औरंगाबाद इंस्टीट्यूट के जो है ट्रेनिंग देने वाले सारे लोग यहाँ पर मैं कैंप किया। मेरा नाम अरुण ड्रौलिया, बिहार म्यूजियम के बाहर मेरा चालान काटा गया। मैं फैमिली के साथ कार में बैठा था और वहाँ पे नो पार्किंग का कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ था। वो आए, उनके सिपाही आए, उन्होंने बोला कि साहब गाड़ी में बुला रहे हैं। मैं उनको वहाँ पे गया उनसे मिलने, तो उन्होंने बोला कि आपने नो पार्किंग में लगाया हुआ है, चालान कटेगा। मैंने बोला सर नो पार्किंग का कोई भी बोर्ड नहीं है। इतना बोलते बोलते उन्होंने कहा कि आप बहस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आपको पार्किंग का भी लगेगा 500 और 2000 वो नॉन ओबीडियंस फ्लो में उन्होंने 2000 और 2500 का चालान काट दिया मेरा। चलिए अब हम उनसे बातें करते हैं जिनका चालान कट चुका है। आपका चालान कब कटा था? 25 दिसंबर को कटा था। 25 दिसंबर को आपका डॉक्यूमेंट्स रख लिया गया था? डॉक्यूमेंट्स नहीं रखा गया था पर रिसिप्ट दिया गया था और अच्छा एसपी ट्रैफिक में बोला था जमा करने के लिए फाइन। जी तो आप क्लास करने आ रहे हैं? जी ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे हम लोग जब फाइन देने के लिए गए ऑफिस में तो बोला गया कि पहले यहाँ जाके आप ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद फिर वहाँ जाके आप फाइन जमा कीजिए। अभी फाइन नहीं लिया गया? अभी फाइन नहीं लिया गया, सिर्फ चालान कटा है और पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करनी। जी आपका नाम? सर हमारा गाड़ी हमारे ही हमारे और किसी का चालान कटा है जो यहाँ पर बैठे हैं? अच्छा आपका कटा है, आपके पास आते हैं, आप बताइए आपका नाम। अनिल कुमार। आपका चालान कब और कहाँ कटा था? 5 तारीख कटा है नई सेक्रेटर के पास। जी वो लाल बत्ती जो पार होने होने तो अगला रुक दिया था, मेरा भी स्लो हो गया। अच्छा ये बताइए कि आप अभी कितने दिन क्लास ले चुके हैं? नहीं पहला दिन नहीं आए, 5 तारीख कटा था। 5 तारीख को कटा था। ओके जी ये पूरा प्रोग्राम क्या है? ये पूरा प्रोग्राम परिवहन विभाग द्वारा आधारित संचालित किया जा रहा है। इसमें वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम दुर्घटना से मुक्ति के लिए है।
इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो हमारे यहाँ देश में जो शहर में चल रहा है प्रोग्राम, उससे हमको अवेयर कराया जाएगा और इस ट्रेनिंग से ही हम लोगों को जो चालान कट रहा है, इस ट्रेनिंग का सब सर्टिफिकेट लिया जाएगा तो वहाँ से चालान को रिलीज किया जाएगा। क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं आप लोग? हम लोगों को रोड सेफ्टी, रोड सुरक्षा से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं, जैसे जानकारी सीट बेल्ट का क्यों ज़रूरी है, हेलमेट लगाना क्यों ज़रूरी है, वे ऑफ लॉ क्या, एक्ट क्या है, इससे रिगार्डिंग हम लोग आपको ट्रेनिंग देते हैं। ओके, ये सारे जो रोड साइन, रोड सिग्नल्स के बारे में सारी चीजें जी। यहाँ कौन आ सकता है, कोई भी आकर ट्रेनिंग ले सकता है, क्या कुछ ऐसा है? अभी जो लोग, जिन लोगों का चालान हो रहा है उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है, प्राथमिकता उन्हीं का है जिन लोगों का चालान किया गया और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया हुआ है। जिनका चालान कट चुका है? बिल्कुल। कितने महीने पहले या कुछ ऐसा? अभी तो ये फिलहाल स्टार्टिंग आज ही से चालू हुआ है। इनका डॉक्यूमेंट्स अभी रख लिया गया है और जिसको रिलीज नहीं किया गया उनका ही यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है। अच्छा, मतलब चालान कटने की ड्यूरिंग जिनका डॉक्यूमेंट्स रखा? बिल्कुल सर जी। क्या टाइमिंग है? टाइमिंग 2-2 घंटे का दिया हुआ है, सुबह 9 बजे से क्लासेस हो रही, 9 to 11, फिर आधे घंटे का ब्रेक हो जाएगा, फिर आपका 11:30 से चालू होगा 1:30 बजे तक का, ऐसे 2-2 घंटे का टाइमिंग पीरियड दिया गया है यहाँ पे। जी, अभी कोई क्लासेस चल रहे हैं क्या प्रेजेंट में? अभी हमारा एक बैच खत्म हो गया, नेक्स्ट बैच के लिए प्रिपेयर लड़के बैठे हुए हैं। कितना था उस बैच में जो खत्म? उस बैच में हमारे अप्रॉक्स 25 स्टूडेंट थे, जिसमें नॉर्मली जो है आपका अभी जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया था उसमें 13 लोगों का हो गया है। अच्छा, जिसको जो है सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने मंत्री जी को सुना, संतोष कुमार निराला जी को, उनका कहना है कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसने रूल तोड़ा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और यहाँ पर जमा हो जाएगा और उसे आकर बड़े प्यार से 1.5 घंटे की क्लास लेने होगी, बड़े प्यार से क्लास दिया जाएगा और वो जब क्लास ले लेगा उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगी और साथ में उसका ड्राइविंग लाइसेंस उसे वापस कर दिया जाएगा और वो फिर अपना चालान जमा कर सकता है। तो ये माननीय मंत्री संतोष कुमार निराला जी ने कहा। उसके बाद हमने बात की इंस्ट्रक्टर से कि क्लास में क्या क्या देंगे और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि बेसिक चीज़ें बताएंगे, टर्न कैसे लेना है, टर्न से पहले क्या करना है और जो सिंपल सी बात होती है कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना, उन्होंने बोला ट्रिपल लोडिंग नहीं करना, ये सारी बेसिक जानकारी देंगे। और हमने जब उन लोगों से बात की जो रूल को तोड़ते हुए पकड़े गए थे और जो यहाँ पर क्लास लेने आए थे, उन्होंने भी अपनी बातें बताई। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।